आपके जो फैमिली वाले दिए थे वो भी वोट आपको नहीं मिला। मेरा कहना वही है, मेरा कहना वही है कि ये जो मैं दहीसर विधानसभा से लड़ी हूँ, तो मेरा जो एरिया है, मेरे जो रिलेटिव्स है, मेरे फ्रेंड सर्कल है, काफ़ी लोग दहीसर में रहते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे 30 साल से रह रही हूँ, तो मेरा काफ़ी एरिया और मेरे काफ़ी हित चिंतक और रिश्तेदार वहाँ पे है। तो मैं जब शौक होती हूँ कि जैसे पेटी खुलती है, जैसे काउंटिंग चालू होता है, तो मुझे जिस एरिया से उम्मीद है कि मेरे को कम से कम 10-50 वोट आए, कम से कम मेरे जो हित चिंतक, मेरे घर वाले खुद के, हाँ वो तो वोट दे, लेकिन वहाँ जब मेरे को जीरो मिलता है तो मुझे शौक हो जाता है कि ये कैसे हुआ। तो यहाँ पे मेरा पूरा डाउट वो मशीन पे जाता है कि जैसे वो बोगस मशीन लाया है, अपने हिसाब से वो वोटों की चोरी हो गई है, वोटों की चोरी हमारे सबके सब में किसी वोट से निकल के उधर वोट सारे के सारे चले गए हैं। तो ये हमारे लिए तो अन्याय है ही, लेकिन हमारे पे से जो उम्मीद लगा के बैठे हैं, जो जनता हमसे उम्मीद लगा के बैठी, क्योंकि भाई इनको हम लोग वोट दिया है, ये आएंगे तो हमारा कुछ सुधार होगा, तो उनके लिए भी ये धोखा है। और मुझे एक कहना है कि अगर ये जो हम लोग को मशीनी साहब ने हम लोग को एक थातुर मातुर एक ऐसे ही हमारा मुंह बंद करने के लिए ये लेटर दिया था, कि जैसे हम लोग ने उनके ऊपर कंप्लेंट का अर्जी दिया, तो उन्होंने हमको कहा कि उन्होंने भी वो नंबर लिख के लिए हैं और बोले कि ये नंबर हम लोग का, ये पेटी हम आपको बाद में खोल के दिखाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन है कि वो पेटी का बाद में क्या हुआ, क्योंकि हम लोग को जब हम लोग वहाँ से हम बाइकआउट करके हम लोग जब निकल रहे थे, तो पूरा उधर का एरिया बंद करके रखा था, काफ़ी टाइम हम लोग को ऐसे ही बिठा के रखा था कि ये लेटर आपको दिया जाएगा, आपको लेटर दिया जाएगा करके हमारा 2 घंटा वहाँ पे हम लोग को वेस्ट कर दिया हम लोग का। और उसके बाद ऐसा हम लोग के ऊपर कंडीशन डाला कि अगर आप बाहर जाते हो तो वापस अंदर नहीं आना है, और अंदर रहते हो तो वापस बाहर नहीं जाना है। और हमने बाइकआउट करने के बाद हम लोग से किसी ने कोई भी राय नहीं ली कि हम लोग चालू करें, क्योंकि हम लोग ने हमारा मांग नहीं था, हम लोग का ये था कि ये मोजनी जो है वो यहाँ पे रुका दिया जाएगा, रुका दीजिए, ये जो मशीन हम लोग को पकड़ी है वो आप खोल के दिखाइए, पहले इसकी शहानिशा कीजिए और फिर आगे की मोजनी आप चालू कीजिए। तो हम लोग को कहा गया कि नहीं, ये सब एंड में होगा, आप अभी नहीं करेंगे, आप दखल अंदाजी कर रहे हो हमारे काम में, आप नहीं कर, ये हम नहीं कर सकते हैं, ये बाद में होगा। लेकिन ये उनका जो जवाब था वो भी हमको समाधान कारक नहीं था, इसलिए हम लोग बाद में वो तीनों मशीनों का क्या हुआ, आपको बाद में कुछ बता लें क्या, तीन मशीनों का क्या हुआ, उसके वोट जो आए थे उसका क्या हुआ, और जो भी हम बाद में जो भी काउंटिंग हुआ, क्योंकि ये काउंटिंग होने को 9 चालू होने के लिए हम लोग को 8 बजे से 11 बजे हम लोग को वहाँ पे, और बाकी के जो राउंड है वो फटाफट 1 घंटे में पूरे हो गए। और जो मैं बोल रही हूँ कि जो विजेता घोषित किया गया है उसके जो बोर्ड लगे थे वो तो सुबह से लग चुके थे, कि भारी संख्या से मत विजयी करके दिवाली की शुभकामना पहले से लगे हुए थे, 2 दिन से बोर्ड तो ऐसे ही घूम रहे थे। और जैसे हम लोग ने नोटिस किया, हम लोग जिस टाइम बाहर निकले उस दिन ऑलरेडी बोर्ड घोषित करने के तुरंत 2 मिनट में लग गए थे। तो ये पूरी मिली भगत है उन लोग का, जैसे पूरा प्लानिंग है, और जो मशीन किया गया वो बिके हुए लोग हैं, जो भी हरिश्चंद्र पाटिल और जो अमित चौधरी और जो भी इलेक्शन कमीशन, हम लोग उनका विरोध निश्चित करते हैं इस चीज़ के ऊपर। ले ले सर, एक साथ में खड़े हो जाए, विजुअल लेते हैं।